हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस। में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाने वाला है जिनके बच्चे ग्रोइंग एज में हैं। गाइस बिकॉज आज की वीडियो में शेयर कर लेने वाली हूँ एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट जो कि आपके बच्चों की हाइट और वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाने वाला है। फ्रेंड्स डॉक्टर्स रिकमेंडेड है ये जो सप्लीमेंट आप सभी से शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बेस्ड सप्लीमेंट है जिसको मैंने अपने बच्चे को पिलाया है और अभी भी मैं रिसेंटली उसको दे रही हूँ फ्रेंड्स। सो और डॉक्टर ने इसको रेकमेंड किया है, जो न्यूट्रिशंस डॉक्टर होते हैं बेबी और किड्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनको मैंने अपने बेटे को दिखाया। देन उन्होंने उसकी डाइट में इसको इंक्लूड किया जिससे कि उसकी हाइट और वेट गेन करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है फ्रेंड्स। सो जिन भी पेरेंट्स को ऐसा इशू है तो डेफिनेटली आज का वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाने वाला है। सो गाइस ये एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोटीन है जो आपकी बच्चे की हाइट वेट ऑल ओवर हेल्थ के लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है। सो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो इन सभी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में बात कर लेने वाले हैं। इसका प्राइस कितना है, कौन सा ये सप्लीमेंट है, किस तरीके से आपने अपने बच्चों को इसको देना है, कैसे ये वर्क करता है आपके बच्चों की हाइट और वेट को इम्प्रूव करने में, साथ ही और भी जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उन सबको इम्प्रूव करने में किस तरीके से हेल्प करता है, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जिनको ये बहुत फास्टली इम्प्रूव करने वाला है, सो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो टिल दैट मेरे वीडियो में आप बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आप देख सकते हैं कॉम्प्लेन न्यूट्रीगो परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोटीन डाइट है बच्चों के लिए, डॉक्टर्स रेकमेंडेड है। सो गाइस आप इसको गूगल नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, ये आपके बच्चों के लिए कौन से फंक्शन इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होने वाला है उसके बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड हैं जो कि आपके बच्चों की हाइट वेट ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफ़ी परफेक्ट प्रूफ होने वाले हैं। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूँ तो वे और कैसीन प्रोटीन का यूज़ किया गया है जो कि आपके बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स। वे प्रोटीन 50% एंड अनदर कैसीन प्रोटीन भी 50% इसमें यूज हुआ है फ्रेंड्स। वे प्रोटीन गेहूं से निर्मित प्रोटीन होता है और साथ ही कैसीन प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये काउ मिल्क से निर्मित प्रोटीन होता है जो कि योगर्ट चीज और बच्चों का जो इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें भी पाया जाता है जो कि बच्चों के अब्जॉर्प्शन पावर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो भी वो मिल्क में डालकर इस सप्लीमेंट को जब लेंगे तो उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगा, मसल्स ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स ये ऑल ओवर इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसमें यूज़ हुआ है कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, वाइटामिन्स और साथ ही 33 न्यूट्रिएंट का यूज़ हुआ है जो कि आपके बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। सो फ्रेंड्स अगर बच्चों की बोन्स डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम इनका यूज़ हुआ है क्योंकि बच्चों की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे बिकॉज विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। फ्रेंड्स जब बच्चों के टीथ आ रहे होते हैं या फिर फ्रेंड्स बच्चों के टीथ टूट चुके होते हैं, 7 to 7 years होती है, 6 to 7 जिसमें बच्चों के टीथ टूट चुके होते हैं, तो तब भी बच्चों को कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो डेफिनेटली आप इसको बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज ये कैल्शियम आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो डेफिनेटली इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है फ्रेंड्स। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों को बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी इससे जो है मिलने वाली है बिकॉज फ्रेंड्स अगर मैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करूँ तो इसमें वाइटामिन ए, ई, सी, जिंक, सेलेनियम और कॉपर जैसे इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है जो कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने के साथ साथ उनके इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर बात करें बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में तो बच्चों के ब्रेन फंक्शन को भी ये डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इसमें यूज़ हुआ है आयरन, आयोडीन, विटामिन B12 और साथ में फॉलिक एसिड। फ्रेंड्स फॉलिक एसिड एक ऐसा ग्रोथ मतलब एक इंग्रेडिएंट है जो कि प्रेग्नेंट वूमेन को या फिर प्रेग्नेंट नहीं है तब भी उनको दिया जाता है बिकॉज इसलिए कि उनका बेबी ग्रोथ करे
इन्फेंट, मतलब जब वो एक छोटा बेबी होता है, एक भ्रूण होता है, तब तब से वो डेवलप करे एक बेबी की एज तक, तो फॉलिक एसिड उस एज से हमारे लिए ज़रूरी होता है जब बच्चे ने बर्थ भी नहीं लिया होता है, तो उसको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो 595 इसका MRP है गाइस। 595 में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही जिनका हाइट पेट का इशू है, जिनको अपने बच्चों के साथ में या उनकी डाइट लेने के बाद भी मतलब उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे उनका एज है, तो डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल हो जाने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, जिन पेरेंट्स को हर्बल प्रोटीबोन अपने बच्चों के लिए चाहिए, हर्बल प्रोटीन चाहिए, तो उसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। बिकॉज मेरे चैनल पर हमेशा फ्रेंड्स मैं ऑर्गेनिक और एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो ही आप सभी तक शेयर करती हूँ, चाहे वो मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ, अपने बच्चे पर अप्लाई करती हूँ। सो मेरा चैनल मेंस ह्यूमेंस बेबी ब्यूटी हेल्थ स्किन केयर से रेलिवेंट है। अगर आपको मेरे वीडियोज और कॉन्टेंट पसंद आते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, फिटनेस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियोस मैं ह्यूमेंस बेबी ब्यूटी हेल्थ स्किन केयर से रेलिवेंट आप तक टाइम पर पहुंचाती रहूं। सो मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।